उत्तर प्रदेश में हरे पेड़ों की कटाई जोरों पर चल रही है, जिसमें पर्यावरण दूषित होने के कगार पर है। सरकार लाख दावा करती हो कि हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगे, लेकिन अधिकारियों के आगे सरकार की एक नहीं चलती। जिसका जीता जागता उदाहरण बलिया जनपद के मनियर वन रेंज में पड़ने वाला गांव छपरा मठिया में आम के बगीचे में कई दिनों से फलदार आम के पेड़ों की कटाई जोरों से चल रही है। आम के चार फलदार पेड़ वन विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी से काट लिए गए हैं और अभी भी दो पेड़ों की कटाई बाकी है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब बिना परमिशन के आम के हरे पेड़ों की कटाई हो रही है और अधिकारी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इलाके में जीवित पेड़ों की कटाई जब वन विभाग के कर्मचारी और कर्मचारी नेता ललन सिंह के देखरेख में हो रही हो तो कोई अधिकारी करे भी तो आखिर क्या करे। इनके खौफ से इस क्षेत्र के लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं और ये लोग किसी को भी अपने पावर से डरा धमका कर उसे अपना बना लेते हैं या फिर उसे डरने पर मजबूर कर देते हैं। गौरतलब हो कि सरकार ने नियम लागू किए हैं कि आम, नीम और महुआ जैसे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगे, लेकिन नेताओं के आगे कर्मचारी बौने साबित हो रहे हैं। जब इस मामले में वन विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना रहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है और इन्हें इस बात की जानकारी मीडिया द्वारा मिली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी लोग पेड़ों की अवैध रूप से कटाई कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुरेश जी, अभी ये कहाँ पे आप लोग पेड़ काट रहे हैं? छपरा बोल रहे। छपरा है। कितने पेड़ों की कटाई अभी तक हो चुकी है? तीन चार चार पेड़ काट चुके हैं आप लोग। ये बताइए कि ये किस कैसा पेड़ है, ये किस फल का है? आम का है। हरा है या सूखा हुआ है? हरा है। हरा है तो हरा पेड़ आप लोग काट रहे हैं? अच्छा, ये कौन है ठेकेदार जो कटवाने वाले हैं? सुभाष। अच्छा, रहने वाले सुभाष जी, ये बगीचा है या किसी बस्ती में है? बगीचे में पेड़ आप लोग चार पाँच काट रहे हैं? अच्छा। जो शासन की मंशा थी कि आम, नीम और जो फलदार वृक्ष है ये नहीं काटे जाएंगे, तो सब क्यों आपके जो जिला अध्यक्ष है इस प्रकरण में जो है चार पेड़ काटे गए हैं, ये सूचना हमको नहीं थी, आपके माध्यम से अभी मिली है। मैंने रेंजर मनियर को ये कह दिया कि तत्काल मौके पर जा करके जांच करें और चाहे वो वन विभाग का कोई कर्मचारी नेता कर्मचारी हो, यदि उसके इस तरह की कोई लिप्तता उसकी पाई जाती है या गलती पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उसमें कहीं कोई संकोच नहीं किया जाएगा। इंडिया के लोगों के विरुद्ध कुछ अपशब्द का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध मैं कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई करूंगा। और यदि इस आम के पेड़ के कटान में पैसे के लेन देन में वो सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई करूँगा। अभी जाँच करा ले रहा हूँ, जाँच कराने के बाद पैसा लेने वाला यदि कर्मचारी दोषी पाया जाता है तुरंत कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट।